What is up guys, this is Maxized Life and welcome back to yet another YouTube video of mine. आज ये वीडियो बहुत देर के बाद भर रही है, बहुत कुछ है बातें करने के लिए, पर शुरू करते हैं यहाँ से कि लाइफ बहुत बिजी हो गई. क्या करूँ यार, ट्रांसपेरेंट होकर बता रहा हूँ, लाइफ बहुत बिजी हो गई है. 7 दिन काम करता हूँ, 5 दिन जहाँ काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माइंड को यू नो जस्ट ओवरटेक कर लिया है उसने. एंड बाकी 2 दिन रिलैक्सेशन में निकल जाते हैं तो कब वीडियो बनाऊँ, कब एडिट करूँ. क्या इतना सच यूट्यूब पे चलता है, मतलब आई डोंट नो. ओके ओके गाइस, सो आज जिस पॉइंट पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है. 2 चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ. नंबर 1 कि इमिग्रेशन का क्या हाल है कैनेडा में. नंबर 2 कि मैं नई बातें क्या करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे और आपको समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो कैसे इफेक्टिव है और मैं आगे जिन चीज़ों के बारे में बातें करने वाला हूँ वो कैसे बहुत इंटरेस्टिंग होगी हर इंसान के लिए, इंक्लूडिंग यू. तो देखो यार, इमिग्रेशन का तो इन शॉर्ट बताऊँ बहुत बुरा हाल है. मतलब जितना स्टूडेंट यहाँ पे आता था किसी टाइम पे, उससे तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है. अभी अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है. अच्छी भी है और बुरी भी है. क्यों अच्छी? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी हैं, इट इज़ ऑफ कोर्स बेटर फॉर देम. यू नो, जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट आपसे पहले आ चुके हैं, आप नहीं आ रहे बट आपसे पहले जो आ चुके हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जो है कंपटीशन कम हो गया तो उनको जॉब वगैरह इजीली मिल जाएगी. यार इनका इसका जो है वो सही इफेक्ट जो है यहाँ की महंगाई वगैरह पे भी होगा. महंगाई ऑलरेडी नीचे आनी शुरू हो चुकी है. ग्रॉसरी प्राइसेस, कोई कितना भी रोता रहे, ग्रॉसरी प्राइसेस आज से 1 साल पहले जो थे वहाँ से 20-25% तो कम नीचे आ ही चुके हैं. तो ये एक बेनिफिट है. दूसरा एक और बेनिफिट है एक्चुअली उन लोगों के लिए जो आ रहे हैं. जी हाँ, जो आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है. क्यों? अब पार्ट टाइम जॉब के लिए उतनी मारो मार नहीं रहेगी. पार्ट टाइम जॉब जो है वो इजीली सबको मिल जाएगी. उसके साथ साथ जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी रेंट बहुत ज़्यादा थे, अब जो है आपके वो कम नीचे हो जाएंगे. मतलब कि बेसिकली रेंट ज़्यादा क्यों थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन आती थी, बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए थी. तो इसलिए इन्होंने लोगों ने धंधा बना लिया था. घर लेते थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह, बाद में उसको रेंट पे चढ़ा देते थे. जब आप घर को रेंट पे चढ़ा देते हो, ऑब्वियसली मार्केट में हर कोई रेंट करना चाहता है तो आप महंगे से महंगा चढ़ाओगे, राइट? वो जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. रेंटर्स विल बिकम ईजियर. एक जो नुकसान है, लेट्स टॉक अबाउट नुकसान एज वेल, क्योंकि नुकसानों की बात करी हमने. एक जो नुकसान है बहुत बड़ा वो ये है कि बहुत सारे लोगों को कैनेडा का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा और स्टडी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी. जी हाँ, स्टडी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी और लोगों को, बहुत सारे लोगों को कैनेडा का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा. और जिनको अब कैनेडा में एंट्री मिलेगी ना, बहुत सारे लोगों को रिमोट जगहों पर जाना पड़ेगा. मतलब कि समथिंग लाइक ब्रांटफोर्ड, समथिंग लाइक सडबरी, मतलब जहाँ के कॉलेजों के मेन कैंपस है ना, वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक प्राइवेट सिस्टम तो हो गया ख़त्म. बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस थे जो कि ऐसे ब्रैम्पटन टोरंटो में ऐसे थे जहाँ पे पढ़ाई शढ़ाई कम होती थी, पर वहाँ पे बोलो कि आप लोग आते थे तो उनका एक काम वाम पे ध्यान रहता था ज़्यादा. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? वो चीज़ अब नहीं हो पाई. अब क्या होगा, आप आओगे ढंग के कॉलेज पे ही अब आपकी एंट्री है, नहीं तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा. ढंग के कॉलेज में आओगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ाएंगे. तो एक जो अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, अपने हिसाब से सोचो. अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो अच्छी बात है, अगर आप काम ही करने के लिए आ रहे थे फिर तो जी बुरी बात है आपके लिए. ठीक है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ. अच्छा, ये तो बातचीत थी इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन का क्या हाल चाल है. अब बातचीत करूँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, वट वीडियोज़ आई एम गोइंग टू मेक. गाइज देखो, मैं ना फूड साइंस टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, एंड मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो फूड का है, राइट? तो बीट फूड का न्यूट्रिशन, बीट लेबलिंग रीड करना उसको एक तरह से. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग लेबल नहीं रीड कर सकते हो, एवरीबॉडी नोज हाउ टू रीड लेबल्स एंड ऑल दैट, पर यार जो एक प्री पैक्ड फूड होता है ना, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी स्टिल कंपनीज ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे कि एक ग्राहक को, एक कस्टमर को गुमराह किया जा सकता है. ठीक है, जस्ट बिकॉज उसको हाई प्रोटीन कॉन्टेंट दिखा देना डजेंट मीन दैट इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. तो जो आजकल चल रहा है ना, ये जो चल रहा है कि हाँ जी बहुत ज़्यादा प्रोटीन है ले लो, जस्ट बाय, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन है इसके अंदर ले लो कर लो बाय, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. अब वो जो प्रोटीन है वो कैसा प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन है उसका डाइजेस्टिव इंडेक्स कैसा है,
वो आपके सेहत के लिए कैसा है, प्रोटीन का सोर्स कैसा है। जिम ट्रेनर नहीं हूँ मैं, डोंट टेक मी रॉन्ग दैट वे, आई एम ए फूड साइंस टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मैं उसको ब्रेक डाउन करके आपको बता सकता हूँ कि व्हाट बेटर ऑप्शन यू कुड हैव। ऑर्गेनिक्स की भी बात करेंगे, रेगुलर नॉन ऑर्गेनिक्स की भी बात करेंगे, चिकन, पनीर, दूध, दही, कनाडा के अंदर जो मिलता है, इंडिया की भी बात कर सकते हैं इसके अंदर। पर ये मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी, तो करंट जो मेरी ऑडियंस है उसका इसमें आई एम श्योर कि काफ़ी इंटरेस्ट होगा, यू नो, क्योंकि आप सब लोग ऑफ कोर्स हेल्थ कॉन्शियस हो, यंग लोग हो, आपको होना भी चाहिए। तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका डिसीजन मेकिंग आज हम करेंगे। अगेन मैं, यू नो, आई कैन नॉट टॉक लाइक दोज जिम ट्रेनर्स की, ओ ले लो इसमें बड़ा प्रोटीन है, ओ, या फिर लोग बोल रहे होंगे कि हाँ भाई कि ये चला है जिम ट्रेनर बनने, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यार, कोई जिम विम वो बात नहीं है, मैं खुद जिम नहीं जा रहा हूँ आजकल, ठीक है। पर एक अच्छा फूड खाना जिससे आपको फ्यूचर में कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स ना हो, क्या ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपको रात को नींद अच्छी आए, यू नो, दिस इज़ ऑल लिंक्ड, योर गट एंड योर हेड इज़ ऑल लिंक्ड। एंड कोशिश करूँगा, जो आज तक लाइफ में 10 साल हो गए मेरे को इस लाइन में, फूड की लाइन में और क्वालिटी एश्योरेंस में, जिसमें से मेरे पास एक कैनेडा में भी 3 ईयर्स का स्टडी है अबाउट फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एंड मेरी बैकग्राउंड भी है बैचलर्स ऑफ साइंस, सो जो जो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हेल्थ कैनेडा का भी फूड लेबलिंग का मेरे पास सर्टिफिकेशन है। तो जो जो मेरे से होगा, जो जो मेरी नॉलेज से निकलेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो जी हाँ, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, एंड आई होप कि आज की वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको बताना कि देखो मैक्साइज लाइफ अब नया क्या करने वाला है। एंड अगली वीडियोस में फन करेंगे, मस्ती करेंगे, नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्ली बात करेंगे हम लोग कुछ अच्छे से प्री पैक्ड फूड की, कि जो बहुत हाई सेलर हो उसके बारे में, कि उसके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन का सोर्स कैसा है, यू नो, उसके इंग्रेडिएंट्स जो है उनका आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, वी विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।